केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? पंचायत का विकास, जनता की सेवा और अधूरे कामों का पूरा करने का जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ठीक, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 10 ऐसे काम बताएं जो आप करेंगे। सड़क, जल, नल और रास्ता गली को ठीक ठाक कराने का पहला काम करेंगे। पहला काम आप सड़क को सुधार करेंगे, सड़क में सुधार लाएंगे जी। दूसरा नाला वगैरह को बनवाएंगे, मतलब जल निकासी की समस्या को दूर जी, करेंगे जी। तीसरा यानी गरीबों का जो इंदिरा आवास वगैरह नहीं हुआ है, इंदिरा आवास कराने का काम करेंगे। मतलब जो लाभुक हैं उनको आप इंदिरा आवास दिलाने का कोशिश करेंगे जी। चौथा शिक्षा पर यानी काम करेंगे, यानी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए हम काम करेंगे। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में जी 14 वार्ड हैं। इन 14 वार्ड में क्या क्या समस्या होगी? वार्ड नंबर 1 में क्या समस्या होगी? वार्ड नंबर 1 में रास्ता का समस्या है। वार्ड नंबर 2 में जल नल का समस्या है, जल निकासी की समस्या जी, जल निकासी की, और नाला भी नहीं बना है, नाला भी बनाना है। वार्ड नंबर 3 में क्या समस्या होगा? रास्ते का ही प्रॉब्लम है, रास्ता नहीं बना है। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 14 तक की जो समस्या है, सड़क की समस्या जी, है जी। अगर आप जीतेंगे तो इस सड़क की समस्या पे मतलब ध्यान देंगे, सुधार करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पर सुधार करेंगे और इस पर काम करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? नहीं है। तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पर उप व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र कैसे हमारे हम तक पहुँचे, ताकि उनको परेशानी ना हो और वो परेशानी उठा करके यानी धोरैया तक ना पहुँचे। उनका काम जो है, जो भी परेशानी है, वो हमारे यहाँ पर पंचायत में ही पूरा हो जाए। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है? नहीं है जी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी है, उनसे बात, बच्चे हैं उनके लिए भी मैदान हो और वो भी अच्छी तरीके से अपना खेल कूद कर सकें। आप जनता से इस बार, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस बार हमें चुनिए और उसके बाद में आप हमसे काम लीजिए, हम आपके साथ हैं और आपका विकास हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। ग्राम हसनपुर, महिला बिशनपुर पंचायत। अभी जो करंट लोकेशन में मुखिया साहब है तो उनका तो खैर कोई काम दिखाई दे नहीं रहा है, और इस वजह से भी नहीं दिखा रहा है। जो कि हमारे यहाँ 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 का है। तो वार्ड नंबर 14 का जो है वो तो खैर कुछ थोड़ा बहुत किए भी हैं, लेकिन वार्ड नंबर 13 वाला तो कुछ किए नहीं है। जब उनसे हमने कंप्लेंट किया तो वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास मुखिया का कोई ऐसा फंड ही नहीं है, ऐसा वैसा। तो समझिए कि ये वो कुल मिला के मुखिया का ही है। अच्छा, इस बार आप किनको वोट देना चाहेंगे? जो शिक्षित होगा, ईमानदार होगा, काम करने वाले होंगे, जो माहौल में
का है, उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है हमसे? उम्मीद है कि ये काम करेगा। मुखिया जी के द्वारा आपको इंदिरा आवास मिला है? जी नहीं। मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं, उनके काम को बताइए। वो तो आज जीता है तो किस तरह से जीत गया, लेकिन वो किसी को जनता के लिए वो अच्छा आदमी नहीं, मतलब जनता के लिए वो तैयार नहीं रहते। क्या नाम है आपका? आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।